नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल बासगांव संदेश में। मैं हूं पंकज सिंह भारद्वाज। आज हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि 24 अप्रैल सन 1993 से समूचे देश में लागू है। क्या यह व्यवस्था ऐसे ही थी? क्या भारत में इसके पहले कभी पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी? इस संदर्भ में हम जाएंगे अपने इतिहास के उन झरोखों में, जहाँ पे हमको आज से भी ज़्यादा मजबूत इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। इसका सबसे साक्षात प्रमाण है उत्तमेरूर अभिलेख, जो कि चोलकालीन अभिलेख रहा है। उसमें ये कहा गया कि आज से हजारों साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है, उत्तमेरूर अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि वहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी, आज तक हम लोग उस रूप में सामने नहीं आ पाए हैं। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में भी हमको कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जैसी कोई चीज़ देखने को मिलती है। आप लोगों को मालूम होगा कि लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन, विशेषकर नगरीय स्वशासन के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन भारत में जो परंपराएं, जो परंपरागत रूप से पंचायती राज व्यवस्था चालू थी, उसको अमली जामा पहनाने का काम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में 2 अक्टूबर को नागौर राजस्थान में किया गया। इसके बाद जो आज की हम व्यवस्था देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था को, तो आज की जो व्यवस्था है हूबहू इस तरह से इसके पहले कभी नहीं थी। इसमें एक लंबी यात्रा को तय करना पड़ा, इसके लिए तमाम समितियां बनी, तमाम जो है कि संस्तुतियां उन्होंने दी। फिर आज जाके 2 अक्टूबर 1993 को बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंधवी समिति, इन सब की संस्तुतियों के बाद 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जाकर हमको एक संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप सामने आया, जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। इसमें आरक्षण से संबंधित तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से अपना स्वयं का आर्थिक स्रोत हासिल किया जाए, ये भी उसमें वर्णन था। लेकिन क्या आज पंचायती राज व्यवस्था, भारत की पंचायती राज व्यवस्था अपने स्वरूप में पूरी तरह से जो इसके पीछे का उद्देश्य था उसको पाने में सफल हुआ है? इसको जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल बासगांव संदेश को, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं कुछ दिन बाद इसी संदर्भ में, इसी टॉपिक पे विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण। नमस्कार।